हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी जो मैं व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, ये मेरे दो चार दिन पहले वीडियो शूट किया गया था, लेकिन कोई रीज़न के वजह से मुझे वो अपलोड करने नहीं मिला। तो ये चार दिन पहले का मेरा वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। सो देखते रहो आप। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो देखो मुझे आप लोग को क्या बताना है, एक सेकेंड। ये देखो, ये मेरे सारे पार्सल्स मीशो से अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गए हैं। अभी जस्ट डिलीवरी मैन ने अभी देके गया है यहाँ पे पार्सल, और तीन पार्सल्स अभी भी पेंडिंग हैं, आना बाकी है। जब भी वो तीनों पार्सल और ये सारे पार्सल एक साथ मैं आपको मीशो के हॉल में, मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है ना गाइस, प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। मैं उसके ऊपर पूरे ये पार्सल्स ओपन करके अंदर क्या है उसके, आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में ही मेरे देखने के लिए मिलेगा। तो ये मतलब वो वाला व्लॉग भी मेरा ज़रूर आप लोग देखना, मीशो हॉल करके आने वाला है जल्दी, जब मेरे तीनों पार्सल्स आ जाएंगे वो, और ये सब मिला के फिर मैं जल्दी एक दो दिन में वो व्लॉग अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ जाके मेरे मीशो हॉल वाले ब्लॉग को ज़रूर देखना। और ये पार्सल के अंदर क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। ओके, बस यही मुझे आप लोग को बोलना था। क्या हुआ मम्मा? ओ गाइस, और एक बात है, प्लीज़ प्लीज़ दुआ करो आप लोग, जो भी बीमार है उनको जल्द से जल्द शिफा दे दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे, क्योंकि ना तंदुरुस्ती सेहत ये ना एक बहुत बड़ी नियामत होती है। तो आप लोग प्लीज़ बीमार के लिए दुआ करो, क्या जल्द से जल्द उन्हें शिफा दे दे। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग को मेरी हालत देख के पता चल गया होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है जी, या मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मुझे सीधे से बात भी करने नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाली, तो मैंने बोली चलो आज ब्लॉग निकाल लेती हूँ। देखो पूरा ना ये जो हिस्सा है ना गाइस, ये नाक के इधर का आँख, सर, गला, सब बहुत बहुत ज़्यादा दुख रहा है मेरा। पता नहीं आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, पूना में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है, स्पेशली मेरे यहाँ पर इतनी हवा आ रही है ना, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। सॉरी, मैंने कल रात को दवाई वगैरह खा ली थी, अभी नाश्ता करके हुआ है, अभी फिर से एक मेडिसिन खा लूँगी, इंशाल्लाह देखते हैं जल्द से जल्द ये सर्दी उतर जाए, क्योंकि सर्दी में ना मेरा सर पूरी तरीके से ऐसा क्या बोलते हैं जाम हो जाता है, पूरा सर दुखने लगता है। मुझे मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है गाइस, इसके पहले के वीडियो में मेरे आप देखे रहोगे, मुझे मेरा वॉल वगैरह DIY मतलब बहुत कुछ करना था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब है उसके वजह से मुझे कुछ भी काम नहीं जम रहा है करने के लिए। वो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मुझे उसका सामान वगैरह लेने जाना है और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आज देखते पूरा दिन कैसे जाता है, मेरी तो तबीयत ख़राब है, बच्चे लोगों को कैसा हैंडल करूँगी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आसिफ भी जल्दी काम पर चले आएँगे, देखते फिर। विधान को मेरे से थोड़ा दूर ही रखी हूँ मैं, क्योंकि उसको ना सर्दी जल्दी कैच ना हो जाए, बच्चे लोगों को ऐसा इन्फेक्शन जल्दी चढ़ जाता है ना। अभी वो यहाँ पे बैठा है, क्या पता अंधेरा रहेगा, आप लोगों को दिखता नहीं रहेगा। मैंने लगा के तो उसने नेटफ्लिक्स लगा दिया, उसको मैंने TV पे कार्टून लगा के दी थी, तो गलती से उसने रिमोट दबा के नेटफ्लिक्स चालू कर दिया। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि जो भी मेरा मैंने आपको बताई थी कि मुझे वॉल का शेयर करना है, मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं वो मैं सामान ही नहीं लेने गई और ना ऑर्डर दे पाई। तो जल्द से जल्द मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या हुआ, वाईफाई नहीं आ रहा? एक सेकेंड है भाई, चालू है। हाँ मम्मा, वाईफाई नहीं आ रहा है मेरे पहले के। आएगा बेटा, मेरे पहले के इधर वाईफाई था, कनेक्ट करी थी मैंने मशीन, लेकिन अभी वो निकाल दी क्योंकि मेरे फ़ोन के थ्रू ही सब कनेक्ट हो जाता है। मैं क्या बोल रही थी, हाँ जाने दो, बंद कर दो, मेरे को खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
देखते हैं अभी क्या, जो भी होता रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और जो भी सोच के मैं निकलती हूँ ना, आज ये काम के लिए जाना है बाहर, और उतने में ही बारिश चालू हो जाती है। और मेरे को ना बहुत डर लगता है दीदान को बारिश में लेके आने, क्योंकि एक बार उसको सर्दी हो जाएगी ना तो फिर मेरे को मतलब लाइक बच्चा छिका भी तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बारिश में जल्दी नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि कहीं बाहर जाने का सोचे बारिश का मौसम है, ऑब्वियसली बारिश आएगी, बारिश चालू हो जाती है, इसलिए मेरा कहीं पे भी जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है बारिश की वजह से। सो चलो अभी देखते हैं, जो भी रहेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी।